बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। राइस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, एक गाजर जुलियन कट काट लें, आधा कप टमाटो केचप, एक हरा प्याज वाइट पार्ट और एक शिमला मिर्च काट लें, एक हरे प्याज का ग्रीन पार्ट काट लें, तीन पीस हरी मिर्च और चार पीस लहसुन काट लें, दो टेबलस्पून स्पाइसी मेयोनीज किसी भी तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरका दो टेबलस्पून, एक टेबलस्पून सेसमी ऑयल, दो टेबलस्पून सोया सॉस, दो टेबलस्पून सिराचा हॉट सॉस, दो टेबलस्पून ऑयल, एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टेबलस्पून नमक, एक टेबलस्पून ब्लैक पेपर, एक टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, दो टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, चार से पाँच लहसुन के जवे, एक पीस चिकन क्यूब, 250 ग्राम्स बॉयल्ड स्पैगेटीज, 250 ग्राम्स बॉयल्ड राइस, 250 ग्राम्स चिकन क्यूब्स छोटे छोटे काट लें। अब हम रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम चिकन तैयार करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालें, चार से पाँच लहसुन के जवे क्रश कर लें, थोड़ा पिंक होने दें। अब चिकन डाल दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें, लहसुन के साथ थोड़ी देर भूनें, चिकन का कलर बदल जाए तो एक टेबलस्पून सोया सॉस, एक टेबलस्पून सिरका, नमक, काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ी देर भूनें। अब चिली गार्लिक सॉस और आधा कप केचप डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आपको सॉस को ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आधा चम्मच लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लें। दो टेबलस्पून सिराचा सॉस डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन तैयार है, एक अलग बाउल में निकाल लें। अब सेकंड स्टेप नूडल्स की तैयारी का है। कढ़ाई में दो टेबलस्पून ऑयल डालें, गार्लिक पेस्ट ऐड करें, थोड़ा भूनें। अब चिकन क्यूब डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें, गाजर डाल दें, थोड़ा फ्राई करें। अब हरे प्याज का वाइट पार्ट और शिमला मिर्च डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें। अब नूडल्स डाल दें, काली मिर्च एक टेबलस्पून, एक टेबलस्पून विनेगर, एक टेबलस्पून सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ग्रीन अनियन भी डाल दें, अच्छी तरह तेज आंच पर मिक्स करें। अब एक टेबलस्पून सेसमी ऑयल डाल दें, सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब नूडल्स तैयार हैं। अब हम सबको असेंबल करते हैं। एक बड़ी डिश में चावल डाल दें, चावल में ग्रीन अनियन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब चावलों पर नूडल्स डाल दें, चिकन विद सॉस डाल दें। अब आखिर में स्पाइसी मेयोनीज डाल दें। एक पैन में ऑयल डालें, गार्लिक और हरी मिर्ची डालकर हल्का फ्राई करें, थोड़ा पिंक हो जाए तो एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, थोड़ा सा भूनें। अब आखिर में सिंगापुरियन राइस पर डाल दें। मज़ेदार राइस तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।